और अलग अलग राज्यों से जुड़ी खबरें अब 9 सेकंड में। संभल में एसपी सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर की नमाज जनाजा, दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी भी होंगे शामिल। देश के कई बड़े नेताओं के संभल पहुंचने की होंगे। आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कुछ याचिकाओं में की गई खतरनाक और रेबीज वाले कुत्तों को मारने की अनुमति देने की मांग। लैंड फॉर जॉब मामले में राजूबैनी कोर्ट में सुनवाई, राबड़ी देवी मीसा भारती हेमा यादव की नियमित जमानत पर होगी सुनवाई, फिलहाल अंतरिम जमानत पर है तीनों आरोप। हरियाणा के पानीपत में ट्रैक्टर से स्टंट करते वक्त गई एक लड़के की जान, युवक ने रील बनाने के लिए पिछले टायरों पर उठाया था ट्रैक्टर, पानीपत का रहने वाला था निशु देशवाल। सोशल मीडिया पर टोचन किंग के नाम से मशहूर था निशु देशवाल, ट्रैक्टर पर स्टंट कर 3 साल में 13 लाख फॉलोअर बनाए, निशु की मौत से गांव में मौतम का माहौल। राजस्थान के दौसा जिले की अर्पिता और अर्चना ने लिखा प्रधानमंत्री मोदी को पत्र, अपने माता पिता का तबादला जयपुर करने की गुहार लगाई, जुड़वा बहनों ने ड्राइंग बनाकर प्रधानमंत्री मोदी को पत्र भेजा। मौसम बदलने के साथ सीजन फ्लू का शिकार हो रहे लोग, डॉक्टर्स की सलाह, इस मौसम में अपना खास ख्याल रखने की जरूरत, मार्च महीने में सीजनल फ्लू से बीमार होने का रहता है खतरा। और 9 सेकंड न्यूज में अब बात अपराध से जुड़ी खबरों की। रामपुर के मिलक थाना क्षेत्र में मूर्ति लगाने को लेकर विवाद, राम समाज की जमीन पर प्रतिमा लगाने पर बवाल हुआ, गोली लगने से लड़की की मौत हुई, गांव में पुलिस फोर्स की तैनाती। यूपी के रामपुर में युवक की मौत के मामले में लोगों का प्रदर्शन, लोगों ने शव रखकर प्रदर्शन किया, पुलिस अधिकारियों के समझाने पर शांत हुए, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। पंजाब के मोहाली के एक सेक्टर में रेस्टोरेंट पर फायरिंग, सिद्धू मूसेवाला के दोस्त और कंपोजर बंटी बैंस पर जानलेवा हमला, हमले में बाल बाल बचे बंटी। बरनाला जिले में एनआईए की रेड, हमीदी गांव पहुंची एनआईए की टीम, रेशम सिंह के घर पर जांच के लिए पहुंची, खालिस्तान के नारे लिखने के आरोप में 2 साल से जेल में है रेशम। गुरुग्राम में गाय की खरीदारी के नाम पर ठग, साइबर ठगों ने 4 गाय देने के लिए पीड़ित से ठग लिए थे लाखों रुपए, पुलिस ने दर्ज किया धोखाधड़ी का मामला, आरोपियों की तलाश जारी। झारखंड के दुमका में प्रेम प्रसंग के चलते वारदात, महिला और उसकी मां को पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश, काफी समय से लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे थे महिला और युवक। यूपी के मुजफ्फरनगर में नाबालिग से दरिंदगी, मेडिकल स्टोर संचालक दुकान में ही रेप और परिजनों को धमकी देने का आरोप, पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू। दिल्ली में ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग का पर्दाफाश, नवजात बच्चों को खरीदने और बेचने वाला गिरोह गिरफ्तार, 5 महिलाओं समेत 8 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। यूपी के गोंडा में हाई स्कूल की परीक्षा के दौरान धांधली, गणित के पेपर में दूसरे की जगह परीक्षा देने आए 2 युवक, चेकिंग के दौरान पकड़े गए युवक, पूछताछ के बाद पुलिस को सौंपा गया। मथुरा में ट्रस्ट के 88 लाख रुपए लेकर फरार हुई महिला, सत्संग के समय महंत के संपर्क में आई थी महिला, ट्रस्ट के खाते में कराए गए 88 लाख रुपए अपने खाते में ट्रांसफर किए। गुरुग्राम के साइबर सिटी में रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार गाड़ी चालक ने प्यूमा कंपनी के मैनेजर को मारी जोरदार टक्कर, करीब 1 किलोमीटर तक बाइक को खसीटा। हादसे में गंभीर रूप से घायल मैनेजर को अस्पताल में भर्ती कराया गया, सीसीटीवी के आधार पर फरार कार चालक की तलाश जारी, आसपास के सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस। अब 9 सेकंड न्यूज में बात होगी मौसम से जुड़ी खबरों। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में बारिश के साथ ओले गिरे, खेतों में खड़ी गेहूं और चने की फसल को भारी नुकसान पहुंचा, मटर की फसल भी बारिश के पानी में भीगी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में किसानों पर पड़ी मौसम की मार, ओलावृष्टि की वजह से किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा, खेतों में खड़ी गेहूं और धनिया की फसल तबाह हुई, कई जगह मसूर की फसल को भी नुकसान हुआ। प्रयागराज में मंगलवार को बदला मौसम का मिजाज, सुबह से ही रुक रुक कर होती रही बारिश, पारा गिरने से ठंड में फिर से इजाफा, पिछले कुछ रोज से दिन के समय हो रही थी गर्मी। वहीं एमपी के भोपाल में मंगलवार को मौसम ने अचानक करवट ली, तेज आंधी के साथ बारिश हुई, धूल भरी आंधी चलने से लोगों को आवाजाही में परेशानियां हुई, कई जगह ओले भी गिरे। उत्तराखंड के चोपता इलाके में बर्फबारी होने से चहल पहल बढ़ी, वीकेंड पर उमड़ रही सैलानियों की भीड़, पर्यटकों की वजह से होम स्टे और होटल कारोबारियों के चेहरे खिले। मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है चोपता, अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए रखता है देश विदेश में पहचान, इस बार जनवरी महीने में काफी कम बर्फबारी हुई।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।